सब बच्चे प्लीज जरा ध्यान से देखिए। एक्चुअली हमारे पास इक्विलेटरल सॉरी ट्राइंगल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी एंड बी डी इज 3 times ऑफ सी डी। अब जरा ध्यान से देखिए बेटे, अगर मैं सी डी को एक्स ले लूं तो मेरा बी डी कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 times 3x, यस और नो? ठीक है, अगर ये एक्स है और ये 3x है तो बी सी कितना हो जाएगा भाई? 4x। वेरी गुड, वंडरफुल। जरा सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, आपने कहा बी सी इज इक्वल्स टू 4x और x मैंने माना है सी डी को। हाँ भाई सब बच्चे, बी सी इज इक्वल्स टू 4 times ऑफ सी डी, यस और नो? यस सर। तो बेटे अगर मैं 4 को इधर लाऊं तो 1/4 बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? है ना, ये चीज ये हम यूज करेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो अब देखो जरा ध्यान से, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए बेटे 2ab² इज इक्वल टू 2ac² प्लस bc². अब जरा ढूंढो ए बी कहाँ है। हाँ भाई, ए बी स्क्वायर कौन से राइट ट्राइंगल में आएगा? ABD. बस स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप आता चला जाएगा बेटे। इन राइट ट्राइंगल ADB, बेटे क्या मैं लिख सकता हूँ AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस DB², यस और नो? यस सर, लिख सकते हैं। बाय मुबारक हो जी, ये हमारे पास आ गया। अब जरा फिर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया है बेटे, मुझे बेटे AB चाहिए तो मेरे पास AB आ गया, ठीक है। मुझे AD नहीं चाहिए, जरा देखो AD कहाँ है बेटे, AD यहाँ है। लेकिन मुझे AC चाहिए, क्या चाहिए? AC। तो AD का AC के साथ कोई रिलेशन बन सकता है क्या? AD का AC के साथ बन सकता है, जैसे अभी हमने किया था इस वाले राइट ट्राइंगल में बन जाएगा, बन जाएगा। लिख रहा हूं यहीं पे, इन राइट ट्राइंगल ADC AD का स्क्वायर हो जाएगा बेटे AC² माइनस CD² बाई पाइथागोरस। बताओ सब बच्चों को समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर बिल्कुल। हाइपोटेनस में से अगर वन साइड माइनस करेंगे तो दूसरी साइड आ जाएगी, या तो सम करिए तो हाइपोटेनस के इक्वल होता है, या हाइपोटेनस में माइनस करिए। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, AD को चेंज कर देंगे बेटे। अच्छा अब हमारे पास बचा DB, ये हमारे पास DB है, तो जरा ध्यान से देख लीजिए, वो तो हम नीचे लिख ही चुके जो हमें करना है। मुझे DB नहीं चाहिए, अगर मैं DB को बेटे BC माइनस CD लिख दूं तो मेरा BC भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे अपने इसमें BC भी चाहिए प्रूफ के अंदर। ये कर सकता हूं क्या मैं? DB को प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैं BC माइनस CD लिख रहा हूं। इधर देख लीजिए सब बच्चे, BD को BC माइनस CD लिख रहा हूं, यस और नो? यस सर। गुड, चलो जी लिख दो, बस आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो भाई रखो क्या आया, AB² इज इक्वल्स टू AD की जगह हमने रख दिया AC² माइनस CD² और DB को हमने लिख दिया BC माइनस CD, बट इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन किया AC² माइनस CD² प्लस BC² प्लस CD² माइनस 2BC इंटू CD, है ना भाई? A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² माइनस 2AB, नजर आ रहा है? गुड, क्या चीज कैंसिल हो रही है? CD कैंसिल हो रहा है, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, AB² इज इक्वल्स टू AC² प्लस BC² माइनस, चलो 2BC, ये हमें लिखने की जरूरत क्या पड़ी, अभी नहीं लिख रहे। अब जरा देखो बेटे हमें क्या क्या चाहिए, ये कंपेयर करते रहना है हर बार कि मुझे चाहिए क्या था। प्रूफ वाला, मुझे प्रूफ में बेटे AB² चाहिए, AB² तो मेरे पास AB² बेटे आ गया,
एसी स्क्वायर चाहिए मुझे, एसी स्क्वायर कितने टाइम चाहिए बाद में सोचेंगे, तो एसी स्क्वायर भी बेटे आ गया, बीसी स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। ये बीसी भी मुझे चाहिए, सिर्फ किसको नहीं चाहिए, सीडी नहीं चाहिए। वेरी गुड, क्या मैं सीडी को यहाँ लिख चुका हूँ, क्या लिख चुका हूँ सीडी को? सर लेकिन ये आया कैसे 1/4 बीसी, समझ नहीं आया। अभी तो समझाया था, दोबारा समझो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, बीडी कितने टाइम्स है, ये जो दिया है ना बेटे बीडी थ्री टाइम्स ऑफ सीडी। यस सर, ओके ओके सर, ओके। तो अगर ये एक्स है बेटे तो ये 3x है। यस सर, यस सर, हो गया हो गया। तो ये 4x हो गया। यस सर, तो एक्स तो सीडी हुआ ना बेटे। यस सर, हो गया। तो यहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है, क्या लिखना है, बी सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 4, और ये बेटे गिवन की कैटेगरी में है, तो रख दीजिए आंसर आ जाएगा। सब बच्चे रखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी सी बाई 4, कैंसिल करो बेटे 2 से 2, एलसीएम एलसीएम आएगा 2, तो ट्वाइस ए सी स्क्वायर ट्वाइस बी सी स्क्वायर एंड बी सी इंटू बी सी बी सी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करो बेटे। सर 2ab स्क्वायर आ गया, हो गया, तो आ गया बेटे 2ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर 2 माइनस 1 bc स्क्वायर। देखो देखो जो चाहिए था आया या नहीं आया? आ गया सर। भाई समझ में आया क्या कुछ? यस सर, कुछ कुछ। तो बेटे ये है हमारे पास ऑलमोस्ट, वो तो क्वेश्चन मजाक का ही है जो हमारा एक रह गया, तो आप लोग अब इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास अगर कोई डाउट्स बचते हैं तो आप पूछ लेंगे, अदरवाइज जब हम इसको दोबारा से फेयर करेंगे तब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब कर लेंगे इस पूरे को अच्छे से, इधर कर लेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, और दो क्लास ज्यादा ज्यादा काफी है हमारे करने की, लेकिन कल 11 बजे क्लास लूंगा, तो जिसे भी बच्चे को पूछना है, जो भी कुछ पूछना है वो क्लास में रह सकता है 11 से 12:30। तो अगर जी बोलिए, हाँ आप सीक्वेंस में ही चले।